शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा वासुकीनाथ भगवान जी का मंदिर, कितनी लंबी लाइन है लोगों की यार ये। खीर दे रहे हैं, इसमें कोई भंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ये होते हैं भंग के पकोड़े, और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, ये है भंग। गुड मॉर्निंग भद्रो, यार कैसे हो आप सब? होप आप सब बढ़िया होगे। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश व्लॉगर्स। बात करें आज बहुत देर के बाद मैं भद्रो में ब्लॉग शूट करो यार, तो कुछ ना अलग ही फील आ रहा है यार, अलग बहुत मतलब कि अच्छा लग रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो शिवरात्रि क्या है क्या नहीं है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। शिवरात्रि के दिन हुआ क्या था ना कि हमारे शिवजी भगवान और पार्वती माता की शादी हुई थी, और ये माना जाता है कि पूरी यूनिवर्स में पहली लव मैरिज उन्हीं की हुई थी। शिवजी भगवान और पार्वती माता उनकी शादी हुई थी, पूरे यूनिवर्स में पहली लव मैरिज। तो यार आज के ब्लॉग में कुछ ऐसा होने वाला है, हम जा रहे हैं यहाँ से हैप्पी बाजार, आपको भद्रवा में दिखाएंगे कि कैसे हमारी भद्रवा में शिवरात्रि सेलिब्रेट की जाती है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं यार मंदिर की तरफ, पहले मंदिर में जाएंगे, टीका वगैरह लगाएंगे, उसके बाद आपको पूरा भद्रवा घुमाएंगे। तो कहीं यार इनसे मिलिए हमारे विराट भाई, और विराट भाई आज हमारी मदद करेंगे, बाइक चलाएंगे ये और ब्लॉग बनाएंगे हम। तो अभी यहाँ से निकलते हैं रोड में और आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाते हैं सब कुछ, और यहाँ से पहले यार मंदिर निकलते हैं। हम बहुत ज़्यादा लेट हुए, टाइम यार 12:30 हो गए, 1 बज गया, और अभी हम घर में हैं। क्या अब हम सीधा मंदिर के पास मिलते हैं, रोड में मिलते हैं, रोड से फास्ट फॉरवर्ड देखो और सीधा मंदिर में मिलते हैं। तो कहें यार आज ना हम पहले अपने घर के पास वाले मंदिर में जाएंगे, फिर उसके बाद दिखूंगा। ये हमारा वासुकीनाथ भगवान जी का मंदिर, ये न्यू लुक है शायद, मुझे जब से ये नया बना ना तो मैंने व्लॉग में पहली बार दिखाया। तो अभी मंदिर के अंदर जाके टीका वगैरह लगाते हैं, फिर यहाँ से चलते हैं। ये है यहाँ पे मंदिर, और यहाँ पे जब अंदर जाना ना तो कैप लगानी पड़ती है, कैप नहीं सॉरी ये, और ये यहाँ पे अंदर मंदिर। अभी हमारे विराट भाई हमें टीका वगैरह लगाएंगे, हम पहले पूजा वगैरह करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से निकलते हैं। विराट भाई टीका लगाओ हमें। अच्छे से लगाना। तो इधर अब हम विराट भाई को टीका लगाते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। किस तरह मेरा कर्म तू ही जान, क्या बुरा है क्या भला। भाई सर अभी हम ना शेर बाजार में पहुंचने वाले हो, शेर बाजार का माहौल देखो यहाँ पे, ये देख सकते हो आप, ये है यहाँ का बाजार का व्यू। तो भाई सर फाइनली हम पहुंच गए गुप्त गंगा, और अभी अभी ये सामने हम पुल के पास पहुंच जाएंगे, वहाँ से मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। तो भाई ये देखो कोई पुलिस, ये रहा सामने गुप्त गंगा। तो गाइस फाइनली अभी हम गुप्त गंगा पहुंच गए, और ये देख सकते हो आप सामने यार, वो कितनी लंबी लाइन है लोगों की यार, ये लाइन हमने कब क्रॉस करनी और कब अंदर दर्शन करने हैं। पर चलो देखते रहो कैसे क्या होता है, ब्लॉग में बने रहो, ब्लॉग को पूरा देखने। और हमें यहाँ पे अपने भाई मिल गए, इनका नाम है भुगु भाई। तो गाइस अभी आपने टाइम लाइव देखा कितनी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, कितने ज़्यादा लोग आ रहे जा रहे, और यहाँ पे अभी हमारे दो दोस्त लोग, ये सनीश भाई और गोविंद भाई। गोविंद भाई कैसे हो आप? सनीश भाई कैसे? ये हमारे आने वाले रैपर हैं भद्रवा के, और ये हमारे क्या है आप? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो गाइस यार अभी ना हम ये गुप्त गंगा के सारी थोड़े से टॉप पे आए, यहाँ से हम आपको पूरा क्राउड दिखाएंगे, कितनी पब्लिक यहाँ पे आई हुई है, इतना ज़्यादा रश है ना, इतना ज़्यादा रश है मैं क्या ही बोलूँ यार। मुझे लगता है कि आज हमें बारी मिलेगी अंदर जाने की, दर्शन करने की, लेकिन हम फिर भी ट्राई करेंगे, पूरा ट्राई करेंगे। तो अभी फास्ट फॉरवर्ड में देखो आप थोड़ा सा यहाँ से एक व्यू, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं मंदिर में। अभी आप इतनी ज़्यादा भीड़ है ना यहाँ यहाँ पे यार, हम भी लाइन में लगे हैं, पता नहीं कब हम कितना टाइम लगेगा हमें, ये हमारे कमल भाई, और अभी हमें पता नहीं कितना ज़्यादा टाइम लगेगा हम आपको। ये ध्रुव भाई हमारे साथ, ध्रुव भाई हमारी मदद कर रहे हैं यार टाइम्स लाइव वगैरह बनाने में। तो ये हमारे पीछे और दोस्त, ये हमारे दक्ष भाई, और हमारे कुछ आधे लोग वो देखो वहाँ से नीचे से शॉर्ट कट आ रहे हैं, हमारे यश और विराट भाई, इनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा क्राउड वगैरह है, तो देखते जाओ ब्लॉग में बने रहना, और दर्शन करने के बाद, दर्शन करने के बाद हम आपको भंग भी दिखाएंगे, भंग कैसे। तो गाइस अभी हम मंदिर के पास पहुंच गए, ये सामने मंदिर है, कुछ देर के बाद हम मंदिर के अंदर पहुंच जाएंगे, मंदिर
के दर्शन आपको भी कराएंगे। यार यहाँ पे ना ये भजन वगैरह लगे हुए हैं तो इनकी कॉपीराइट नहीं पड़ना चाहिए हमें, तो अभी अंदर मिलते हैं। हम मंदिर के ना बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, अभी आपने फास्ट फॉरवर्ड में देखा, अभी हम अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर आपको दर्शन कराएंगे और फिर उसके बाद यहां से निकलेंगे और बाकी मज़े करेंगे। तो भाई जरा अभी हम मंदिर के अंदर हैं और यहां पे देखो कितना ज़्यादा क्राउड है और हमारे साथ हमारे ध्रुव भाई और हमारी श्रवण भाई ने बहुत ज़्यादा मदद की, यहाँ पे हमें जगह दे दी और ये देख सकते हो आप सामने। जरा अभी हमारे दर्शन वगैरह हो गए हैं और अभी हम आपको एक और चीज़ दिखाएंगे यहाँ पे अंदर। अभी हमने दर्शन वगैरह कर लिए हैं, यहाँ अंदर ना इतना ज्यादा रश था लेकिन हमने फिर भी आपको दर्शन करवाए। हमारे वरुण भाई, वरुण भाई पेपर की कैसी तैयारी है? हमारा हिस्ट्री का पेपर है और अभी हम मंदिर में घूम रहे हैं यार। हम इसलिए यहाँ पे आए थे ना कि हम भगवान से प्रार्थना कर पाए कि परसों हमारे अच्छा पेपर हो जाए, दर्शन पास हो जाए। तो अभी दर्शन वगैरह हो गया, अभी यहाँ से निकलते हैं। ऊपर देख रहे हो ऊपर कितना ज़्यादा क्राउड है, यहाँ से निकलते हैं, प्रसाद वगैरह खाते हैं और फिर आगे जो होगा देख लेना ब्लॉग में। तो गाइस जरा अभी हम ना शॉर्टकट मार के यहाँ से आगे, वो जो यहाँ से रोड देख रहे हो ना, यहाँ से हम शॉर्टकट मार के आ गए हैं। ये हमारे दोस्त लोग यहाँ पे वासु भाई, यश भाई और अकना साहिल ठाकुर, अच्छा साहिल ठाकुर भाई। और अभी बस दर्शन वगैरह हो गए हैं, बाहर निकल गए हैं, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह का आपको दिखाते हैं सिस्टम वगैरह, फिर चलते हैं यहाँ से। तो गाइस जरा अभी यहाँ पे ना प्रसाद दे रहे हैं, प्रसाद में आपको दिखाऊंगा कि कितनी भीड़ लगी हुई है प्रसाद के लिए यहाँ पे। भंग के पीछे सब पागल हो गए, मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखाता हूँ जल्दी, और फिर हम भी चलते हैं यहीं भंग ढूंढने। अमृत सभी मैं बांट के प्यारा विश्वा तूने खुद पी। तो गाइस जरा अभी ना हमने मंदिर वगैरह आपको सब कुछ दिखा दिया, भंग वगैरह सब कुछ दिखा दिया, अब हम भी ढूंढेंगे प्रसाद कोई अच्छा सा मस्त जगह पे, आपको दिखाएंगे कि भद्रा में कहाँ पे सबसे मस्त प्रसाद मिलता है। मतलब अच्छा प्रसाद तो एक ही चीज़ होती है, भंग होती है। तो जो भी जो, में मिलेगी, हाँ जो जहाँ पे मिलेगी दिखाते हैं आपको, ढूंढते हैं पहले हम खुद और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे भैया दे रहे हैं खीर दे रहे हैं, इसमें कोई भंग नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, और ये जाई रोड पे यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर जिसको भंग का प्रसाद नहीं चाहिए तो वो ये खीर ले सकते हैं, तो अभी हम खीर वगैरह खाते हैं पीते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस हमारे ध्रुव भाई ने लाए हैं पकौड़े और हमारे दक्ष भाई वहाँ पे पकौड़ों की लाइन में खड़े हुए हैं, तो ये इन्होंने भी लाए हैं भंग के पकौड़े दिखाना। तो गाइस ऐसे होते हैं भंग के पकौड़े, ये ग्रीन ग्रीन कलर के ये देख सकते हो आप, तो अभी हम भी लाएंगे अपने लिए फिर आपको खा के दिखाएंगे। गाइस हमारे लोग कुछ दोस्त लोग यहाँ से भंग के पकोड़े लेके आए, वो देखो कितने खुश दिख रहे हैं गाइस, वो देखो कितने खुश दिख रहे हैं कि इनके भंग के आलू इन्होंने आलू लाए। यार ये आलू क्यों लाए? भंग के पकोड़े और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ना, ये है भंग और कुछ आलू भी है इसमें, मर्च वर्च भी डाली है। तो अभी खाने के बाद हम दिखाएंगे हमारी कंडीशन कैसी होती, कुछ कुछ होता है या नहीं होता देखेंगे बाद में खाने के बाद। A few moments later हालत देख सकते हो, मुझे नहीं लगता ये ऊपर रोड तक पहुँचेंगे। सो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही, आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। यार आज जितना हमसे हो पाया हमने आपको कवर करके दिखाया, और फिर उसके बाद आज का व्लॉग इसलिए छोटा था ना यार, क्योंकि मुझे वहाँ से वापस आके घर में आके व्लॉग अपलोड करना था, और उसके बाद पेपर भी चल रहे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी घर आके पढ़ना भी था, काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यार इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह चेक करते रहो यार, लिंक वगैरह हैं ग्रुप के, वहाँ पर ज्वाइन कर दो अगर हो सके तो, इफ पॉसिबल। तो यार सपोर्ट करो यार, भाई को सपोर्ट करो, और आप जितना सपोर्ट करोगे यार हम उतने जल्दी जल्दी व्लॉग अपलोड करेंगे। और यार बर्थडे में एक बात और बोल दूँ, मेरे बर्थडे तक ना 10K कंप्लीट करा दो यार, 10K कंप्लीट करा दो, और मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट मजेदार से व्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय।